स्टार्ट करते हैं। आज जो है डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है आपको आर्टिफिशियल वेजाइना की और इसके साथ जो है एआई गन की। इसके पार्ट्स के नेम हम जो है वो बताएंगे आपको, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, ये सारा प्रोसेस जो है कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके पार्ट्स के नेम है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है आर्टिफिशियल वेजाइना है, तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। हमारे पास जो चार मेथड थे सीमन कलेक्शन के जो हमने पढ़े थे, रिकवरी मेथड जिसमें हो गया, इलेक्ट्रो इजेकुलेशन मेथड था, उसके बाद मसाज मेथड था, एंड द लास्ट वन इज द आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास मोस्ट फेवरेबल मेथड अब दुनिया के अंदर चल रहा है वो क्या, आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड ही है। तो आर्टिफिशियल वेजाइना है ये हमारे पास, इसके पार्ट्स को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये जो पार्ट्स है सबसे आउटर पे है, दिस इज कॉल्ड आउटर हार्ट सिलेंडर। इसको क्या नाम देते हैं, आउटर हार्ट सिलेंडर का नाम देते हैं बेटा। अच्छा, ये एक चीज आउटर हार्ट सिलेंडर है, इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रही है रबर टाइप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड से है, ये अंदर से जाके इधर भी लिपटी हुई है और यहां से भी इस साइड से भी ये लिपटी हुई है, तो इसको नाम देते हैं इनर रबर लाइन का नाम देते हैं हम। तो ये आउटर हार्ट सिलेंडर है और ये हमारे पास जो अंदर आपको रबर टाइप नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड इनर रबर लाइन, ये इसका नाम है। तो इसके ऊपर दो वाल्व्स हैं बेटे, इसको जरा तवज्जो से देखिएगा आप। तो दो वाल्व्स हैं, इनको मैं खोल भी रहा हूँ। एक वाल्व जो इस आउटर हार्ट सिलेंडर के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड, इसको नाम देते हैं वाटर वाल्व। इसको क्या नाम देते हैं, वाटर वाल्व का नाम देते हैं। अब इसी के ऊपर जरा हम थोड़ा सा देखिएगा, इसी वाटर वाल्व के ऊपर एक वाल्व लगा हुआ है, ये देखिए इसको मैं खोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एयर वाल्व। इसको क्या नाम देते हैं, एयर वाल्व का नाम देते हैं। ये जो वाटर वाल्व है इसके थ्रू हम 1/3 जो है आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर पानी भरते हैं हम टेम्परेचर को मेंटेन करने के, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इसका जो टेम्परेचर हमने रखना है वो 42 डिग्री सेल्सियस रखना है, हमने डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी गर्म कर लेते हैं, पानी गर्म करने के बाद उसको जो है वो उसमें फिर ठंडा पानी मिक्स कर लेते हैं ताकि उसका टेम्परेचर, क्योंकि पानी बॉयल जो है हमारे पास वो 100 पे करता है, तो उसको 42 के ऊपर दोबारा ले आने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ठंडा पानी मिक्स करते हैं और पानी इसमें भरने के बाद क्या करते हैं, जब पानी भर लें तो 1/3 जो है इससे पानी हमने भरना है और यूं इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो इसे जितना पानी निकल जाएगा वो निकल जाएगा, बाकी जो है इसमें हमने क्या करना है, रहने देना है और दोबारा से हमने क्या करना है, वाटर वाल्व को इस तरीके से बंद कर देना है। जब ये चीज़ बंद हो जाए उसके बाद हमने पंप लेना है, पंप के साथ क्या करना है, ऊपर जो हमारे पास एयर वाल्व है उसके साथ हमने क्या करना है, पंप के साथ इसको हवा भर देनी है, और हवा जो आपने भरनी है इसके अंदर इतनी भरनी, इतनी टाइट भी नहीं भरनी जब पीनस इसके अंदर चला जाए, यानी आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर उसको जाने में दुश्वारी हो, और इतना लूज भी नहीं रखना कि उसको जो वेजाइना की वाल्व है वो फील ना हो। तो इस चीज़ का जो है बेटे आपने ख्याल रखना है। तो ये आपने देख लेना, इसके पार्ट्स के नाम दोबारा सुन लें, दिस इज कॉल्ड आउटर हार्ट सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड इनर रबर लाइन, ये वाटर वाल्व है जो इसके साथ अटैच है, और इसके ऊपर वाला वाल्व क्या है, एयर वाल्व है। अक्सर हम भूल जाते हैं नीचे वाले वाल्व को हम क्या कहते हैं, एयर कह देते हैं, ऊपर वाले को वाटर कह देते हैं। उसको याद करने का तरीका मैं आपको आसान सा बता देता हूँ, वो ये है कि ये जो वाटर वाल्व है हम पानी कहाँ से भरते हैं, यहाँ से भरते हैं ना, इस होल से भरते हैं, तो इसके साथ जो वाल्व अटैच है वो कौन सा है, दिस इज द वाटर वाल्व, और जो इसके ऊपर वाल्व है वो कौन सा है बेटे, एयर वाल्व है। इसके बाद ये भी कि ये पार्ट्स हैं, इसके कुछ जो हैं वो हमारे पास और पार्ट्स हैं वो देख लें। ये इसको नाम देते हैं रबर कोन का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसका क्या नाम है बेटे, रबर कोन। इस रबर कोन को आपने क्या करना है, एक साइड के ऊपर अटैच कर देना है एज लाइक दिस, तो ये अटैच हो जाएगी इस तरीके से। जब ये इसके साथ अटैच हो जाए, अब एक और ट्यूब है जिससे हम क्या करते हैं सीमन को कलेक्ट करते हैं, वो हमने क्या करना है, रबर कोन के साथ अटैच करना है। ये है, ये भी इसी का पार्ट्स है, दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्टिंग ट्यूब। ये इसका दोबारा नाम सुन लें, जब भी मैं आपसे पूछूं आपने यही नाम मुझे इसका बताना है, सिलेंड्रिकल ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्टिंग ट्यूब। उसकी क्या है रीज़न है, सिलेंड्रिकल क्यों कहा है, इसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल ही है। और दूसरा, इसको ग्रेजुएटेड क्यों कहा गया है, इसके ऊपर बेटे मेंशन है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, जितना भी इसके अंदर सीमन आता है हम क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, सीमन कलेक्टिंग ट्यूब, वो इसका क्या है बेटे, नाम है। इसको हमने क्या करना है, रबर कोन के इस एंड के साथ हमने इसको ऐसे अटैच कर देना है। जब आपने ए वी तैयार कर ली, इसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया, आपने क्या करना है, इसकी वो वाली साइड जहाँ से पीनस ने इंसर्ट होना है वहाँ पे के वाई जेली के साथ आपने क्या कर देनी है, लुब्रिकेशन कर देनी है। समझ आ गई बेटे इस चीज़ की, के वाई जेली के साथ क्या करनी है, लुब्रिकेशन कर देनी है। और लुब्रिकेशन के बाद आपने क्या करना है, वो हमने सारा प्रोसेस जो है पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे आप एनिमल के पास जाएंगे, कैसे आपने सीमन कलेक्ट करना है। जब सीमन कलेक्ट हो जाए फौरन आपने लैब में आ जाना है, उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर
वाटर बाथ के अंदर रखना है। और नेक्स्ट जो आपकी एवेल्युएशन हैं उसमें क्या क्या माइक्रोस्कोपिक आ गई या मैक्रोस्कोप है वो सारी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई है, वो आपने क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है। तो ये इनके पार्ट्स के नेम है, ये आपको क्या है पता होने चाहिए। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसका टेम्परेचर कैसे चेक करना है, इसका टेम्परेचर कैसे चेक करना है। ये इसका खास जो है इस एवी का क्या होता है, ये इसका खास एवी का थर्मामीटर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। एक और भी वो होते हैं थर्मामीटर, लेकिन उनके थ्रू आप नहीं कर सकते, आपने क्या करना है इसी के साथ जो है वो करना है। ये इसका कवर है इस थर्मामीटर का, आप देख सकते हैं ये इसके अंदर ऐसे होता है। तो जब आप एवी प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, अब आपने टेम्परेचर को चेक करना है। ये आप देख लें टेम्परेचर को चेक करने का क्या तरीकाकार है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वैसे ही करना है। तो आपने क्या करना है, ये एवी को ऐसे पकड़ के उठाना है, ठीक है, हो गया। जब एवी को आपने पकड़ के ऐसे उठाना है, ये नीचे पड़ा होगा, इसको कैसे करना है ये जरा तवज्जो से देखेगा, और इसको जल्दी जल्दी उठाना है। इसको यहाँ से नहीं पकड़ना बेटे, आपने समझ आ गई इस चीज़ को, इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, हरगिज़ नहीं पकड़ना, इसको यहाँ से भी आपने नहीं पकड़ना, ठीक हो गया। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है आपने जल्दी जल्दी इसको उठाना है, यूँ रखना है, और यहाँ पर अपनी जो फिंगर है या जो थंब है इसको यहाँ पर रख देना है, यानी इस ग्लास के ऊपर रखना है। अगर आप साइडों से इसको पकड़ेंगे तो ये क्या करेगा, उसमें आपका टेम्परेचर भी, ये जो फिंगर का टेम्परेचर होगा उसको भी साथ में ये ले लेगा। इस वजह से आपने समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, इस थर्मामीटर को वो अंदर ही ले जाते हैं, तो अंदर नहीं ले जाना बेटे इसको, यहाँ पर इसको पकड़ के रखना है और फिक्स करके रखना है, और ये इसके ऊपर जो है मेजरमेंट्स इसकी आ रही हैं, आपने क्या करना है वो मेजर कर लेना है कि इसका टेम्परेचर कितना जो है वो आपके पास है। तो ये खास जो थर्मामीटर है ये किसके लिए है, ये एवी के लिए ही है। तो ये इसका कवर है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, हरगिज़ नहीं पकड़ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ हो गई बेटा।